हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस के हम नीट पीवाईक्यू करने वाले हैं 2013 से लेकर नीट 2023 तक के। जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मैं आपको शो करूंगा एनसीईआरटी में से। अगर वो क्वेश्चन एनसीईआरटी में से आया हुआ तो मैं आपको एनसीईआरटी का पेज शो करूंगा कि कहाँ से वो क्वेश्चन आया हुआ है। अगर कोई आउट ऑफ एनसीईआरटी होगा तो वो भी मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा कि ये जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ एनसीईआरटी है। तो इससे पहले वाले सभी चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं, आप चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर सकते हो, सेम थंबनेल के साथ में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको ये पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नीट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बीटी क्रॉप्स इज बीइंग ग्रोन इन इंडिया बाय द फार्मर, ब्रिंजल, सोयाबीन, मेज या फिर कॉटन। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये जो क्वेश्चन है ये आपका आता है कि बीटी क्रॉप कौन सी है जो कि ग्रो की जाती है इंडिया के अंदर बाय द फार्मर, ब्रिंजल, सोयाबीन, मेज या फिर कॉटन। तो आप इस चैप्टर के अंदर जब पढ़ते हो पर्टिकुलरली बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के अंदर, तो वहाँ पर जो बीटी क्रॉप है वहाँ पर कई बीटी क्रॉप का नाम लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल आपका बीटी कॉटन लिखा गया, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन भी वहाँ पर मेंशन किया गया है। ये मैं बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी के पेज नंबर 208 की, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पर मेंशन किया गया है। बट यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्टिंग बात क्या पूछी गई है कि कौन सी बीटी क्रॉप जो होती है वो इंडिया के अंदर ग्रो की जाती है, और इसका जो आंसर मिलेगा वो हमें चैप्टर नंबर 10 में मिलेगा, क्लास 12th में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर के अंदर। वहाँ पे पेज नंबर 187 पे ये साफ साफ मेंशन किया गया है कि यहाँ पर जो ग्रो की जाती है कुछ स्टेट के अंदर वो है आपकी बीटी कॉटन। तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा बीटी कॉटन, तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं नीट 2013 कर्नाटका स्टेट के लिए जो आए हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व, यानी आरएनए इंटरफेरेंस में क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है। सिंथेसिस ऑफ सी डीएनए एंड आरएनए यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, इंटरफेरेंस ऑफ आरएनए इन सिंथेसाइज ऑफ डीएनए या फिर सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए एंड डीएनए। तो जो आरएनए इंटरफेरेंस होता है जिसको आरएनएआई भी बोलते हैं, स्मॉल आई ऐसे करके भी लिखा जाता है, उसके अंदर क्या होता है साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डीएसआरएनए। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 209 पे ये चीज मेंशन की गई, आप अच्छे से देख सकते हो, आपके सामने दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्लेस द डिफेक्टिव जीन इन जीन थेरेपी, यानी जीन थेरेपी के अंदर कौन सा जो है डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस करने के लिए वेक्टर यूज किया जाता है, एडेनोवायरस, कॉस्मिड, आरआई प्लाज्मिड या फिर टीआई प्लाज्मिड। तो ये कहाँ पर दिया गया है, ये दिया गया है एनसीईआरटी के पेज नंबर 211 पे, जहाँ पे जीन थेरेपी की बात की गई है, वहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखा गया वेक्टर, वहाँ पे रेट्रोवायरस लिखा गया, मतलब वहाँ पे वायरस होना चाहिए, और यहाँ पर जो आपका आएगा एडिनोवायरस, एडिनोवायरस जो होता है वो वेक्टर का काम करेगा, यहाँ पे प्लाज्मिड नहीं करेगा, कॉस्मिड नहीं करेगा, यहाँ पे वायरस काम करेगा। तो इसलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, एडिनोवायरस। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं नीट 2014 के बारे में, नीट 2014 में क्वेश्चन पूछा गया द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी इज, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस किया गया, इंसुलिन, इस्ट्रोजन, थायरोक्सिन या फिर प्रोजेस्टेरोन। तो इंसुलिन जो है वो ईली लिली कंपनी ने प्रोड्यूस किया था, ए और बी जो है वो पेप्टाइड चेन को अलग अलग जो है वो सिंथेसाइज किया था ई कोलाई के अंदर, और फिर जो है उन दोनों को डाइसल्फेट ब्रिज से जो है वो इंटरलिंक कर दिया था। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, इंसुलिन। एनसीईआरटी के पेज नंबर 211 पे ये चीज मेंशन की गई, आप देख सकते हैं यहां पे लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नीट 2015 के बारे में, नीट 2015 में बोला गया गोल्डन राइस इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट वेयर द इनकॉर्पोरेटेड जीन इज मेंट फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ, यानी गोल्डन राइस के अंदर मेनली क्या चीज सिंथेसाइज होती है, ओमेगा 3, विटामिन ए, बी या फिर सी। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है, यहाँ पर जो आपका गोल्डन राइस होता है उसके अंदर जो होता है वो विटामिन ए इनरिच होता है, तो यहाँ पे विटामिन ए ही ज़्यादा बनेगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, एनसीईआरटी के पेज नंबर 208 में देख सकते हो, लास्ट पॉइंट में हाईलाइट करके यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा गया है। ओके भैया, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नीट 2015 में जो एग्जाम कैंसिल हो गया था वहाँ से आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया इन बीटी कॉटन द बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट इन द प्लांट टिश्यू एज प्रोटॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू द, यानी जो बीटी कॉटन होता है उसके अंदर जो आपका प्रोटॉक्सिन होता है प्लांट टिश्यू के अंदर वो एक्टिव फॉर्म में किस वजह से कन्वर्ट होता है, क्या चीज़ जो है वो प्रोटॉक्सिन को एक्टिव करके और टॉक्सिन में कन्वर्ट करेगी।
एक्शन ऑफ द गट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंस ऑफ कन्वर्जन फैक्टर इन द इंसेक्ट गट, एल्कलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट या फिर एसिडिक पीएच ऑफ द इंसेक्ट। तो एल्कलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट होता है उसकी वजह से वो एक्टिव हो जाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, एनसीईआरटी का पेज नंबर 208 पे आप अच्छे से देख सकते हो मेंशन किया गया है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द क्रॉप्स इंजीनियर्ड फॉर ग्लाइफोसेट आर रेजिस्टेंस टॉलरेंट टू, यानी जो ग्लाइफोसेट के लिए जो क्रॉप इंजीनियर की जाती है वो किस चीज़ से रेजिस्टेंट टॉलरेंट होती है, इंसेक्ट, हर्बिसाइड, फंजाई या फिर बैक्टीरिया। तो आपको बता देता हूँ ये चीज़ जो वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं की गई है, ग्लाइफोसेट करके ऐसा कोई नाम नहीं आता है, बट आपको बता देता हूँ इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंस और टॉलरेंट होता है, तो आंसर याद कर लेना ऑप्शन बी। अब आगे देखोगे रिसेंट ईयर में कोई भी क्वेश्चन जो आउट ऑफ एनसीईआरटी आपको नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं विच बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट जीएम रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस, यानी कौन सी जो एक बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च वगैरह और इन सब की चीज़ों की सेफ्टी वगैरह जो होती है उसको गवर्न करती है। जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमेटी, रिसर्च कमेटी और जेनेटिक मैनिपुलेशन बायोसेफ्टी कमेटी या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो वो कौन सी कमेटी है, वो GEAC है, दैट इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, एनसीईआरटी के पेज नंबर 213 पे ये चीज मेंशन की गई है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं नीट 2016 फेज वन के बारे में। नीट 2016 फेज वन में पूछा गया विच पार्ट ऑफ द टोबेको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय मेलोडीजाइन इनकोग्निशा, यानी यहाँ पर मेलोडीजाइन इनकोग्निशा होता है उसके द्वारा टोबेको प्लांट का कौन सा पार्ट जो होता है इन्फेक्ट किया जाता है, स्टेम, रूट, फ्लावर या फिर लीफ। तो यहाँ पर रूट जो होती है वो यहाँ पर अफेक्ट होती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 209 पे आप देख सकते हो, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया, यहीं से ये आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है द टू पॉलीपेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक टुगेदर बाय, यानी जो दो पॉलीपेप्टाइड होती है ह्यूमन इंसुलिन के द्वारा वो किसके द्वारा लिंक की जाती है, कोवेलेंट बॉन्ड, डाइसल्फाइड ब्रिज, हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो वो डाइसल्फाइड ब्रिज के द्वारा जो है वो लिंक की जाती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, डाइसल्फाइड ब्रिज। एनसीईआरटी के पेज नंबर 211 पे ये मेंशन किया गया है, आप अच्छे से देख सकते हो, यहीं से आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आ चुके हैं नीट 2016 फेज टू के अंदर। नीट 2016 फेज टू में पूछा गया विच काइंड ऑफ थेरेपी वाज गिवन इन 1990 टू ए 4-year-old गर्ल विद एडिनोसाइन डीएमिनेज, दैट इज द एडीए डेफिशिएंसी। तो यहाँ पर एडीए डेफिशिएंसी जो थी उसमें 4-year गर्ल को कौन सी थेरेपी दी गई थी, जीन थेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी। तो उसको दिया गया था जीन थेरेपी, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी का पेज नंबर 211 पे ये चीज मेंशन है, तो यहाँ से हमारा ये आंसर आ जाता है, क्लियर हो गया। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको यहाँ पर प्रैक्टिस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है नीट एग्जाम के लिए और अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड, जहाँ पे आपका सिलेबस भी अच्छे से रिवाइज हो जाए, आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाए, तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। सभी टेस्ट सीरीज मैंने खुद ने तैयार की है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम बात करते हैं नीट 2017 के क्वेश्चन की। नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था टू पॉलीपेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक टुगेदर बाय, ये अभी क्या था, फॉस्फोडाइएस्टर, कोवेलेंट, डाइसल्फाइड या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या आएगा, डाइसल्फाइड ब्रिज आएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी का पेज नंबर वापस वही है 211, आप देख सकते हो यहीं से आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नीट 2018 के बारे में। नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज ए वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग ए डीएनए फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट, यानी ह्यूमन लिम्फोसाइट के अंदर जो है अगर हमें डीएनए इंट्रोड्यूस करना है, डीएनए का फ्रेगमेंट इंट्रोड्यूस करना है, तो वहाँ पे कौन सा वेक्टर यूज होगा, गामा फेज, टी आई प्लाज्मिड, रेट्रोवायरस या BBR322। तो ये हमने पहले भी देखा था क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी। तो यहाँ पर आपका जो मैंने बताया था ब्रैकेट के अंदर दिया गया है वो कौन सा है, रेट्रोवायरस जो होता है वो ब्रैकेट की तरह यूज होता है, वेक्टर की तरह यूज होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 211 पे ये चीज मेंशन की गई है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, द यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न कंट्री एंड इट्स पीपल इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेशन, बायोपायरेसी, बायो इन्फ्रीगमेंट या फिर बायो एक्सप्लॉयटेशन। तो उसको बोलते हैं बायोपायरेसी, बायोपायरेसी की ये डेफिनेशन है, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 214 पे यहाँ पर ये मेंशन किया गया है, आप देख सकते हो कॉपी पेस्ट ये लाइन की गई है, तो यहीं से हमारा आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब आ चुके हैं 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है,
इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक यूज। तो ये हम पहले भी किया था, यहाँ पर वो वापस वही सेम क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर क्या आएगा, रिसर्च कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल अप्रेजल कमेटी। तो यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल की जगह यहाँ पे अप्रेजल कर दिया है, बट यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका GEAC, दैट इज द ऑप्शन डी। यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 213 पे ये चीज मेंशन की गई है, आप अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पे जो है अप्रेजल कर दिया अप्रूव की जगह। ओके चलिए भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, ए न्यू वेराइटी ऑफ राइस वॉज पेटेंट बाय ए फॉरिजन कंपनी, थ्रू सच वेराइटी हैव बीन प्रेजेंट इंडिया फॉर ए लॉन्ग टाइम, दिस इज रिलेटेड टू। यानी एक न्यू वेराइटी जो है वो एक फॉरिजन कंपनी ने पेटेंट करवा ली, जो कि इंडिया के अंदर बहुत लॉन्ग टाइम से ग्रो हो रही थी। वो क्या थी, लर्मा रोजो, सार्बती सोनारा, या फिर CO667, या फिर बासमती। तो बासमती राइस जो थी वो पेटेंट करवा ली थी, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 214 पे ये चीज़ मेंशन की गई है, अच्छे से आप पूरा कंप्लीट पैराग्राफ पढ़ सकते हो, यहीं से आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम आ जाते हैं नीट 2019 के क्वेश्चन में। नीट 2019 में क्या क्वेश्चन पूछा गया हमसे, क्वेश्चन है व्हाट ट्रिगर एक्टिवेशन ऑफ प्रोटोटॉक्सिन टू एक्टिव बीटी टॉक्सिन ऑफ बेसिलस थ्रेंजाइनेसिस इन द बोलवर्म। तो बोलवर्म के अंदर यहाँ पे पूछा गया कि जो आपका प्रोटोक्सिन है बीटी टॉक्सिन वाला, वो एक्टिव में कैसे कन्वर्ट होगा, मोस्ट सरफेस ऑफ द मिडगट, एल्कलाइन पीएच ऑफ गट, एसिडिक पीएच ऑफ स्टोमक, या फिर बॉडी टेम्परेचर। तो एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट की वजह से जो है वो प्रोटोक्सिन टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 208 पे हमने पहले भी देखा था, वहीं से वापस आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम आ चुके हैं 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, यहाँ पर बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस। तो यहाँ पे गोल्डन राइस के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ये हमें बताना है। ओके के करके बात करते हैं। सबसे पहले बोला गया इट इज पेस्ट रेजिस्टेंस विद ए जीन फ्रॉम बेसिलस थ्रेंजाइनेसिस। सेकेंड बोला गया इट इज ड्रॉट टॉलरेंट डेवलप यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। थर्ड बोला गया इट हैज़ येलो ग्रेन्स बिकॉज ऑफ ए जीन इंट्रोड्यूस फ्रॉम ए प्रीमेटिव वेराइटी ऑफ राइस, या फिर इट इज़ विटामिन ए इनरिच विद ए जीन फ्रॉम द डेफोडिल। तो एक्चुअल में जो गोल्डन राइस होता है वो क्या होता है, विटामिन ए इनरिच होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 208 पे ये चीज़ मेंशन की गई थी, वहीं से ये वापस आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहीं से ये हमारा आंसर आ जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। अब यहाँ पर बोला गया देखिए नीट 2019 ओडिशा स्टेट के लिए आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया एक्सप्लोरेशन ऑफ मोलिकुलर जेनेटिक एंड स्पेसिस लेवल डाइवर्सिटी फॉर नोवल प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज नोन एज। यानी यहाँ पर मोलिकुलर जेनेटिक या स्पेसिस लेवल पर जो है एक्सप्लोरेशन किया जाता है अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए, तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है, बायो प्रोस्पेक्टिंग बोला जाता है, बायो पायरेसी, या फिर बायो एनर्जेटिक, या फिर बायो रेमेडियंस। तो ये मैंने क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर लिया गया है, बट एक्चुअल में ये क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से नहीं है, ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, उसके पेज नंबर 265 पे दिया है। यहाँ पर क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर इससे थोड़े से कन्फ्यूज हो जाते हैं और बायोपायरेसी में लगा देते हैं, तो इस चीज़ को याद रखना, ये यहाँ से नहीं है, ये है आपका बायो प्रोस्पेक्टिंग, और ये दिया हुआ है एनसीईआरटी का पेज नंबर जो है 265, आप देख सकते हो बायो प्रोस्पेक्टिंग लिख के, और फिर ब्रैकेट में उसको पूरा एक्सप्लेन किया गया है, एक्सप्लोरेशन ऑफ मोलिकुलर जेनेटिक एंड स्पेसिस लेवल डाइवर्सिटी फॉर द नोवल, यहाँ पर एग्जैक्ट लाइन उठाई गई है, तो इसलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है इन RNAi दैट इज RNA इंटरफेरेंस द जीन आर साइलेंस यूजिंग। यानी जीन जो है वो किसको यूज करते हुए साइलेंस किया जाता है, डबल स्टैंडर्ड DNA, डबल स्टैंडर्ड RNA, सिंगल स्टैंड DNA, या फिर सिंगल स्टैंड RNA, ये किया जाता है डबल स्टैंड RNA, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 209 पे ये चीज मेंशन की गई है, वहीं से ही आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया एक्सप्लोइटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज ऑफ ए नेशन बाय मल्टीनेशनल कंपनीज विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न कंट्रीज रेफर टू एज द बायोवार, बायोवेपन, बायोपायरेसी, बायोएथिक्स। तो ये क्या होता है, बायोपायरेसी होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 214 पे ये चीज़ मेंशन की गई है, तो वहीं से आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए भाई अब हम आ चुके हैं नीट 2020 के अंदर। नीट 2020 में जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया मैच द कॉलम क्वेश्चन, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं
बीटी कोटन। तो बीटी कोटन जो होता है वो कैसे डेवलप होता है, बेसिलस थ्रेंजानेसिस। तो फर्स्ट हमारा चला गया फोर के साथ में। फिर हम बात करते हैं एडिनोसाइन डी एमिनेस डेफिशिएंसी, ये हमारा करेक्ट होता है जीन थेरेपी के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरएनए आई, दैट इज द आरएनए इंटरफेरेंस। तो ये क्या होता है, ये आपका सेलुलर डिफेंस में होता है। और पीसीआर जो होता है एम्पलीफिकेशन करके हम जो एचआईवी को डिटेक्ट कर सकते हैं अर्ली स्टेज के अंदर भी। तो फोर हमारा थर्ड के साथ चला जाएगा। तो हमारा पहले किसके जा रहा है, पहले जा रहा है हमारा फोर के साथ में, फिर हमारा जा रहा है 1 2 3, यानी 4 1 2 3, ये हमारा इस टाइप से आंसर आना चाहिए। तो वो देख लेते हैं, 4 1 2 3 हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन ए। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं कि एनसीईआरटी में कहाँ पर मेंशन किया गया। सबसे पहले बात करते हैं बीटी कोटन के बारे में, तो वो एनसीईआरटी के पेज नंबर 208 पे मेंशन है, कई बार दिखा चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिनोसाइन डी एमिनेस डेफिशिएंसी, ये पेज नंबर 211 पे मेंशन किया गया है। यहाँ पर ये क्या होता है आपका, जीन थेरेपी के अंदर आता है, ये भी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरएनए आई आपका पेज नंबर 209 पे, वहाँ पे सेलुलर डिफेंस जो है वो लिखा गया है, सेलुलर डिफेंस की तरह यूज होता है। तो यह आपका एनसीईआरटी के पेज नंबर 209 पे मेंशन है। और पीसीआर की बात करें तो ये पेज नंबर 212 पे मेंशन किया गया है एज इट इज। तो यहाँ से हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, ओके भैया। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है बीटी कोटन वेराइटी दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बेसिलस थ्रेंजानेसिस इज रेजिस्टेंस टू। यहाँ पे जो बीटी कोटन वेराइटी होती है जो डेवलप की जाती है बाय द टॉक्सिन जीन बेसिलस थ्रेंजानेसिस, वो किससे रजिस्ट होती है, इंसेक्ट पेस्ट से, फंगल डिजीज से, प्लांट नेमेटोड से, या फिर इंसेक्ट प्रीडेटर से। तो वो जो होती है वो रजिस्ट होती है आपकी इंसेक्ट पेस्ट से। और यहाँ पे वो बायो पेस्टिसाइड भी मेंशन किया गया है एनसीईआरटी का पेज नंबर 208 पे, ये चीज क्लियरली मेंशन है। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। इन मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज ए प्रो इंसुलिन। सेकेंड है, द प्रो इंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड। थर्ड है, द फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन लिंक्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड डी है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन इकोलाई। तो यहाँ पर देखिए आपका सिंपल बता देता हूँ, जो फंक्शनल इंसुलिन होती है उसके अंदर ए और बी चेन जो होती है वो डाइसल्फाइड ब्रिज से जो है वो इंटरलिंक्ड होती है, आपने कई बार पढ़ा था, हाइड्रोजन बॉन्ड से नहीं होती है। तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, एनसीईआरटी का पेज नंबर 211 पे ये मेंशन है, कई बार देख चुके हैं, वापस देख लीजिए। ओके भाई, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम आ चुके हैं नीट 2020 फेज टू के अंदर। नीट 2020 फेज टू में क्वेश्चन पूछा गया है, द लॉज एंड रूल्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज आर टर्म्ड एज द बायो एथिक्स, बायो इंजीनियरिंग, बायो पायरेसी, या फिर बायो पैटेंटिंग। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका पेज नंबर 214 है उसके लास्ट ही लास्ट पैरा में बोला गया कि जो गवर्नमेंट इंडिया होती है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आती है कुछ लोअर, और वहाँ पे बात की गई है कि वो पेटेंट के बारे में बात करती है। ध्यान से देखोगे वहाँ पे लिखा है पेटेंट, तो एक्चुअल में किसको आपको यहाँ पर टर्म होगा, वो बायो पैटेंटिंग के बारे में बात करें। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पेज नंबर 214। चलिए भाई, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, द आरएनए इंटरफेरेंस इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी आरएनए इंटरफेरेंस किस लिए यूज किया जाता है, टू डेवलप ए पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट अगेंस्ट इन्फेस्टेशन बाय नेमेटोड, टू एनहेंस द मिनरल यूजेस बाय द प्लांट, टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, या फिर टू डेवलप ए प्लांट टॉलरेंट टू ए बायोटिक स्ट्रेस। तो एक्चुअल में जो आरएनए इंटरफेरेंस होता है वो किस लिए यूज होता है, टू डेवलप ए पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट अगेंस्ट इन्फेस्टेशन बाय द नेमेटोड। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, एनसीईआरटी का पेज नंबर 209 पे ये क्लियरली मेंशन किया गया, वहीं से ये हमने क्वेश्चन उठाया है। ओके, अब आ जाते हैं नीट 2021 के अंदर। नीट 2021 के क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विद रिगार्ड टू इंसुलिन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर हमें इंसुलिन के रिगार्डिंग में जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ओके, एक एक करके बात करते हैं, पहले देखते हैं, द सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मेच्योर इंसुलिन, बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड है, द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी है सी पेप्टाइड, वहाँ पर नहीं होता है सी पेप्टाइड, जो हम रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाते हैं उसमें सी पेप्टाइड नहीं होता है। तो हमसे क्या पूछा कि कौन सी करेक्ट है, तो फर्स्ट करेक्ट होगी, सेकेंड इनकरेक्ट होगी। द प्रो इंसुलिन है सी पेप्टाइड, प्रो इंसुलिन के पास में सी पेप्टाइड होता है। ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिज, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो 1 3 4 हमारी करेक्ट है, और हमसे यही हमें बताना कि करेक्ट कौन सी है, तो 1 3 4 करेक्ट है। 2 एंड 4 2 एंड 3 1 3 4 हमारी करेक्ट है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो दी हुई है एनसीईआरटी का पेज नंबर 211 पे, यहीं से ही हमने उठाई है, तो वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ओके,
चलिए भैया नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे बारे में क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 17, फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इज पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिकुलर डायग्नोस टेक्निक इज वेरी यूजफुल फॉर अर्ली डिटेक्शन, यानी अर्ली डिटेक्शन के लिए हमें कौन सी टेक्निक को यूज करना होगा, वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक, साउथर्न ब्लोटिंग टेक्निक, एलिसा टेक्निक या फिर हाइब्रिडाइजेशन। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, दैट इज द एलिसा टेक्निक। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 212 पे ये चीज मेंशन किया गया, वहाँ पे पीसीआर और एलिसा दोनों की बात की गई है। ओके भैया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 18, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है द एडिनोसाइन डी एमिनेज डेफिशिएंसी रिजल्ट इनटू, यानी जो एडिनोसाइन डी एमिनेज डेफिशिएंसी होती है उसका क्या रिजल्ट होता है, डिसफंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम, पार्किंसन डिजीज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर या फिर एडिसन डिजीज। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है वो डिसफंक्शन हो जाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी के पेज नंबर 211 पे ये चीज मेंशन की गई है, आप अच्छे से देख सकते हो। ओके भैया नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला गया है नाउडेज इट इज़ पॉसिबल टू डिटेक्ट द म्यूटेटेड जीन कॉजिंग कैंसर बाय अलाउिंग रेडियो एक्टिव प्रोब टू हाइब्रिडाइज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन ए क्लोन ऑफ सेल फॉलोड बाय इट्स डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी बिकॉज। यहाँ पे बोला गया कि आज के टाइम पे क्या होता है, जो अगर कोई जैसे कैंसर वगैरह है उसके अंदर कोई जीन अगर म्यूटेशन कर चुका है तो उसको हम रेडियो एक्टिव प्रोब को यूज़ करके हाइब्रिडाइज करके और उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की वजह से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और फिर ऑडियो रेडियोग्राफी देख सकते हैं। तो उसमें ऑडियो रेडियोग्राफी वगैरह करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, तो वो किस वजह से पॉसिबल हो पाता है, क्या चीज़ होती है जो ऑडियो रेडियोग्राफी में दिखाई दे जाती है कि हाँ ये म्यूटेटेड जीन वगैरह है और यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो वो हमें बताना है कि क्या चीज़ें हमें दिखाई देती है। पहला बोला इन्होंने कि ऑटो रेडियोग्राफी में इसलिए दिखाई देती है क्योंकि म्यूटेटेड जीन जो होता है वो पार्शली अपीयर होता है ऑन ए फोटोग्राफी फिल्म। सेकंड बोला गया म्यूटेटेड जीन जो होता है वो कम्प्लीटली एंड क्लियरली अपीयर होता है फोटोग्राफिक फिल्म में। थर्ड बोला गया म्यूटेटेड जीन जो होगा वो डज नॉट अपीयर ऑन ए फोटोग्राफिक फिल्म, यानी वो वहाँ पर नहीं अपीयर होगा, एज ए प्रोब हैज नो कॉम्प्लीमेंट्री विद इट। और सेकंड बोला गया म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफी फिल्म एज द प्रोज एंड कॉम्प्लीमेंट्री इन इट। अब देखो यहाँ पर आपका जो है वो सी और डी में एक ही मामूली सा चेंज है ऑप्शन में कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होती है और यहाँ पे बोला कॉम्प्लीमेंट्री होती है। तो अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होती है इसलिए म्यूटेड जीन जो होता है वो फोटोग्राफिक फिल्म पे अपीयर नहीं हो पाता है। पेज नंबर 212 पे ये चीज़ क्लियरली मेंशन की गई है, वहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। ओके भैया आप यहाँ पे देख लो एक बार पोज करके कि अच्छे से कि यही चीज़ एग्जैक्ट मेंशन की गई है कि वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है, क्लियरली हो गया ना आपको, यहाँ पर ही ये मेंशन किया गया था। ओके भैया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में, व्हेन जीन टारगेटिंग इन्वॉल्विंग जीन एम्पलीफिकेशन इज अटेम्प्टिंग इन एन इंडिविजुअल टिश्यू टू ट्रीट डिजीज इज नोन एज बायोपारेसिस जीन थेरेपी मोलिकुलर डायग्नोसिस या फिर सेफ्टी टेस्टिंग। यहाँ पे बोला गया कि अगर जीन को टारगेट करते हुए हम जीन एम्पलीफिकेशन कर रहे हो ताकि जो इंडिविजुअल टिश्यू है उसके अंदर जो डिजीज है उसको ट्रीट कर पाएं तो उसको पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भैया जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के अंदर वही तो करते हैं, उसका जीन एम्पलीफाई करके और फिर वापस सारी चीज़ें की जाती है, तो उसको बोलते हैं, ऑप्शन बी आ जाएगा। एनसीईआरटी का पेज नंबर 211 पे ये मेंशन किया गया, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीट 2022 में आए हुए क्वेश्चन के बारे में, नीट 2022 में क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया ट्रांसपोसोन्स, जो ट्रांसपोसोन्स होते हैं कैन बी यूज ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी किस टाइम पे यूज़ हो सकते हैं, जीन सीक्वेंसिंग में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, जीन साइलेंसिंग में या फिर ऑटो रेडियोग्राफी में। तो जो आरएनए इंटरफेरेंस होता है दैट इज़ द आरएनए आई, वहाँ पे एमआरएनए की साइलेंसिंग की जाती है और वहाँ पर देखिए जो मोबाइल मूवमेंट होते हैं जो मूव कर सकते हैं जो जेनेटिक मटेरियल उसको बोलता है ट्रांसपोसोन्स, ब्रैकेट में लिखा गया और वहाँ से ये हमारा सारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा जीन साइलेंसिंग। तो ये दिया हुआ है एनसीईआरटी के पेज नंबर 209 पे, आप क्लियरली यहाँ पर देख लो अच्छे से, यहीं पे ये मेंशन किया गया, यहीं से हमारा आंसर आ जाता है। ओके भाई नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हमारा आना चाहिए 22। ओके 22 क्वेश्चन आ चुका है, 22 में बोला गया है इन जीन थेरेपी, क्या बोला गया, जीन थेरेपी ऑफ एडिनोसाइन डी एमिनेज डेफिशिएंसी द पेशेंट रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिम्फोसाइट बिकॉज। यहाँ पर बोला गया कि जो जीन थेरेपी होती है वहाँ पे जो लिम्फोसाइट होते हैं जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग करके जो लिम्फोसाइट होते हैं उनको पीरियोडिकली इन्फ्यूजन किया जाता है, मतलब बार बार उनको दिया जाता है, ऐसा क्यों है, उसका रीजन क्या है, ये पूछा गया है। ओके एक एक करके बात करते हैं। पहला बोला इन्होंने
कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग लिम्फोसाइट होते हैं वो नॉट इमोर्टल सेल। सेकंड बोला गया रेट्रोवायरल जो वेक्टर होता है इज इंट्रोड्यूस इनटू दिस लिम्फोसाइट। थर्ड बोला गया जीन आइसोलेटेड फ्रॉम मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस इनटू द सेल एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। ए लिम्फोसाइट फ्रॉम पेशेंट ब्लड आर ग्रोन इन कल्चर आउटसाइड द बॉडी। यहाँ पर वैसे तो ये सारी कुछ बातें इसी के इर्द गिर्द है, लेकिन क्वेश्चन में मेन क्या पूछा गया है, मेन ये पूछा गया कि वहाँ पे रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन क्यों दिया जाता है। वो इसलिए जाता है क्योंकि जो जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट होते हैं वो इमोर्टल नहीं होते। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर पेज नंबर 211 पे ये क्लियरली मेंशन किया गया है, तो वहीं से हमारा आंसर आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखोगे ये सारी बात तो किसके बारे में की गई है, एडीए के बारे में की गई है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन था। यहाँ पर पूछा क्या गया, देखो स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन आर गिवन बिलो। इन्होंने बोल दिया पहले से कि जितनी भी नीचे स्टेटमेंट दी गई है वो ह्यूमन इंसुलिन से रिलेटेड है। आगे क्या बोल रहे हैं, विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन। यानी यहाँ पर कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन से रिलेटेड, जो करेक्ट है। ओके, अब हम बात करते हैं पहला बोला इन्होंने कि प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड। इन्होंने बोला कि जो प्रो हार्मोन इंसुलिन होता है वहाँ पे एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड होता है। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन बोला कि ए और बी पेप्टाइड चेंज होती है ह्यूमन इंसुलिन की, वो प्रोड्यूस की जाती है सेपरेटली ईकोलाई के अंदर, एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन देम। थर्ड बोला गया है कि इंसुलिन जो होती है यूज्ड फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल एंड पिग्स। डी बोला है इन्होंने कि प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड टू बी प्रोसेस फॉर कन्वर्टिंग इनटू ए मैच्योर फंक्शनल हार्मोन। एंड ई बोला है सम पेशेंट डेवलप एलर्जिक रिएक्शन टू द फोरिजन इंसुलिन। ये सारी की सारी स्टेटमेंट एनसीईआरटी के पेज नंबर 211 पे है, यानी सारी की सारी स्टेटमेंट जो वो एनसीईआरटी से ही ली गई है और ये सारी करेक्ट दिखाई दे रही है। बट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया हमसे, यह वाले जो है पेशेंट डेवलप टू एलर्जिक रिएक्शन, ये तो नेचुरल जो इंसुलिन होती है उससे होगा, तो ये तो हमारा वैसे ही कट गया ई वाला। क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे पूछा गया विच आर करेक्ट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन। और जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन के अंदर जो हम नीचे जब जाते हैं वहाँ पर वो सी पेप्टाइड वाला, ए पेप्टाइड वाला, बी पेप्टाइड वाला, वो सारा तो नेचुरल इंसुलिन के बारे में बात की गई है। बट यहाँ पर वापस जब थोड़ा नीचे पैराग्राफ पढ़ते हैं तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि आरडीएनए यानी रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा वहाँ पर इंसुलिन प्रोड्यूस की गई, किसके द्वारा, ईली लिली कंपनी के द्वारा, दैट इज द ईली लिली कंपनी के द्वारा, किसके अंदर, ई कोलाई के अंदर। और ई कोलाई के अंदर जब वो प्रोड्यूस की गई तो वो केवल एक ही स्टेटमेंट आती है उस पैराग्राफ में, दैट इज द ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन वर प्रोड्यूस सेपरेटली इन ई कोलाई एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड ब्रिज। बस यही यहाँ पर ये किया गया था कि ए पेप्टाइड उठाई, बे पेप्टाइड उठाई, उन दोनों को ग्रो किया गया अलग अलग ई कोलाई के अंदर और फिर डाइसल्फाइड ब्रिज से जो उनको कनेक्ट कर दिया गया और एक इंसुलिन बना दी गई, उसी को बोला गया जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन। अब ये प्रो हार्मोन वगैरह की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं नेचुरल इंसुलिन की। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया जेनेटिक, तो ये हमारी नेचुरल इंसुलिन है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन के लिए केवल एक ही स्टेटमेंट है, दैट इज द बी स्टेटमेंट। बाकी सी वाली जो है वो करेक्ट तो है बट वो नेचुरल के लिए है, वो भी लिखी गई है एनसीईआरटी में, ये भी लिखी गई है, ये भी लिखी गई है, बट वो नेचुरल की बात करें। और हमसे पूछा क्या गया है जेनेटिकली इंजीनियरिंग, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। और इसीलिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है और उसके क्वेश्चन जो देते हैं एनटीए वाले वो भी कई बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाले देते हैं। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है वो आप देख सकते हो एनसीईआरटी के पेज नंबर 211 पे, लास्ट पैराग्राफ ध्यान से पढ़ लो। यहाँ पे बोला गया कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा ईली लिली कंपनी ने जो है वो इस टाइप से किया था और ए और बी को अलग अलग ग्रो करके और फिर डाइसल्फाइड ब्रिज से लिंक किया गया था। एनसीईआरटी की लाइन ये कॉपी पेस्ट की गई है सारी, तो यहाँ से हमारा आंसर आता है। ओके भैया, नेक्स्ट चलते हैं नीट 2023 में। अब नीट 2023 में क्वेश्चन नंबर जो वो 24 क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स डज नॉट सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोस ऑफ ए डिजीज फॉर अर्ली ट्रीटमेंट। यानी कौन सा जो है वो अर्ली डायग्नोस नहीं करता है, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्बेंटेशन या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो सीरम एंड यूरिन जो होता है वो अर्ली डायग्नोस नहीं करता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी का पेज नंबर 212 पे ये डायरेक्टली मेंशन किया गया है, ये आप देख सकते हो आपके सामने है। चलिए भाई, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अब आ चुके हैं नीट 2023 में जो मणिपुर स्टेट के लिए क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, क्या पूछा गया, देखो सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। यहाँ पर केवल स्ट्रक्चर की बात करें और फिर हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके भैया, सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन,
पॉलीपेप्टाइड चेन ए एंड बी आर लिंक्ड बाय द डाइसल्फाइड ब्रिज. मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ थ्री पॉलीपेप्टाइड ए बी एंड सी एंड इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो हॉर्मोन विच कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टिड. प्रो हॉर्मोन के पास में तो सी पेप्टाइड होती है, बट जो मैच्योर इंसुलिन होती है वहां पर सी पेप्टाइड नहीं होती. इन्होंने बोला कि तीनों पेप्टाइड होती है वो गलत है, और हमसे पूछा भी किया गया था कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड. एनसीईआरटी का पेज नंबर 211 पे ये चीज मेंशन है, वहीं से आया हुआ क्वेश्चन है. ओके भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, मैच द कॉलम क्वेश्चन पूछा गया है. ओके भैया, एक एक करके बात करेंगे. जीन थेरेपी क्या करता है? आपका अलाउ करेक्शन ऑफ द डिफेक्टिव जीन करता है. आरएनए इंटरफेरेंस सेलुलर डिफेंस में हमारा काम आता है. एलिसा क्या करता है? डायग्नोस टेस्ट फॉर द एड सोर्स. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है वो सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट होता है. तो 4321 हमारा यहाँ पर आंसर आना चाहिए. दैट इज द 44433, ये हट जाएगा 21, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट. आंसर आ गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट. अब यहाँ पर जीन थेरेपी यहाँ पे कहाँ पे दी हुई है? पेज नंबर 211 पे, ये भी आप देख लो. नेक्स्ट हमारी बात करते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, ये कहाँ पर दिया हुआ है? पेज नंबर 209 पे, ये भी आप देख सकते हो. नेक्स्ट हम एलिसा की बात करते हैं 212 पे, कई बार देख चुके हैं. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पहले वाले चैप्टर नंबर 11 में दिया गया, पेज नंबर 198, ये भी आप देख सकते हो. तो यहीं से आया हुआ क्वेश्चन था, इतना ही था, बाय.